बच्चा कहाँ है? कसर अभी बाकी है। किसे मारने आए हो तुम? इस रिवॉल्वर से किसकी जान लेने आए हो तुम? कौन आया है? कौन है बेटी? आप इसे जानते हैं? ये वही हत्यारा है जिसने शेखर को। हाँ बेटी, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। कई बार मामूली से मामूली इंसान भी सबके सामने अपने दिल की बात नहीं कह पाता। फिर तुम तो रोनी हो। तुम शायद समझते हो कि हमारे दिलों में तुम्हारे लिए नफरत है। नहीं बेटे, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। शेखर ने जो रास्ता चुना था उसकी मंजिल यही थी। अगर तुम उसे गिरफ्तार नहीं करवाते तो कोई दूसरा करवा देता। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। और अगर तुम ये समझते हो कि तुमसे भूल हो गई है तो तुम्हारे दिल का पश्चाताप ही तुम्हारे मन का पाप धोतेगा। हाँ रोनी बेटे, तुमने अपनी तरफ से ठीक ही किया। सिर्फ एक बात है, लगता है तुम्हारे दिल में आज तक अपने देश के लिए प्यार जागा ही नहीं। लोग कहते हैं कि रोनी निर्दयी है, जालिम है, लेकिन मैं कहता हूं कि उसके दिल में कहीं ना कहीं अच्छाई है। और मेरा विश्वास है कि उसकी यही अच्छाई एक दिन उसकी आत्मा को झंझोड़ के रख देगी। किसकी जान लेने जा रहा था मैं, जिसने मुझे अपने घर में पनाह दी, मुझे मौत से बचाया। मेरे हाथों अगर वो मर जाते तो जूली ठीक कहती थी, मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया, और शेखर जो कर रहा है वो दूसरों के लिए है। वो तो कल फांसी चढ़ जाएगा और उसका जिम्मेदार होऊंगा मैं। आज समझ में आ रहा है कि पुरंदरे ने पिताजी को गोली क्यों मारी थी। वो इतने जख्मी हो चुके थे कि गिरफ्तार हो जाते तो पुलिस उनसे सब देशभक्तों के अड्डे पूछ लेती। मेरे पिता देशभक्त हैं, अब मैं उनका बेटा, एक देशद्रोही, अपने ही देश का दुश्मन। शेखर को देखने गए थे? हाँ। क्यों देखने गए थे? फांसी का हुक्म सुनने के बाद शेखर पे क्या असर हुआ है वो तो तुम पहले से ही जानते थे। क्या तुम अब भी खुश नहीं हुए? खुशी हासिल करने के लिए ही तो गया था वहां। अच्छा, लो भर लो रिवॉल्वर में गोलियां और खत्म कर दो उन सबको जिन्हें तुम अपना दुश्मन समझते हो।
तुम साथ दोगी? इसे एक रिवॉल्वर से कुछ नहीं होगा जूली, मेरी दुश्मन तो सारी पुर्तगाली सरकार है। हाँ जूली, तुम जूली अपनी गलती सुधारने के लिए ना तो मेरे पास वक्त है ना ही मेरे पास कोई साथी है। क्या मेरी जूली मुझे वापस मिल सकती? रानी, रानी, रानी। ये जूली क्या? सारा गांव तुम्हारे साथ है, सारा गोवा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे एक इशारे पे हम सब मर मिटने को तैयार हैं। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। कहते हैं जब तक बंदूक में आखिरी गोली होती है जंग जीती जा सकती है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गोवा के निवासियों, इस सरफिरे इंकलाबी को आज आपके सामने आपके बीच इसलिए फांसी के तख्त पर लटकाया जा रहा है ताकि इसकी मौत से आप ये सबक सीख सकें। क्या आइंदा आप में से कोई भी ऐसी गलती या ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत न करे। गोवा का अमन बिगाड़ने वाले इस बागी को बम मार दी जाएगी जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाएगी। इस आवाज ने आप सब लोगों को पुर्तगाली सरकार के खिलाफ उकसाया है। आज यही आवाज फांसी के फंदे से दबाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, ये फांसी का फंदा नहीं, हम इनकलाबियों की जयमाला है। चिल्ला इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब नहीं, ऐसे नहीं। कमिया, ऐसा कभी मत करना मोंटेरो। इसे इस तरह मारोगे तो यहां बलवा हो जाएगा। इसकी मौत का तो ऐसा जश्न होना चाहिए, ऐसा धूम धड़ाका होना चाहिए कि लोगों के लिए एक तमाशा बनकर रह जाए। तुम शायद ठीक कहते हो। से जो पर्दा मेरी आंखों पर था वो आज हट गया। आजादी की लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो शेखर, रामदास भी तुम्हारे साथ है। हमने भी अपने सर पे कफन बांध लिया।
जीरो चौकी नंबर 100 चौकी नंबर 100 हिंदुस्तानी फौजें सरहद पार करके आगे आ रही हैं। हिंदुस्तानी फौजें सरहद पार करके आगे आ रही हैं। इससे पहले कि वो बांदा का पुल पार कर सके पुल को उड़ा दीजिए। इससे पहले कि वो बांदा का पुल पार कर सके पुल को उड़ा दीजिए। हमें पुल बचाना होगा। चलो तुम जाके प्लेन स्टार्ट करो, मैं रुकता हूं।